है. पेज नंबर 60 पे सबसे पहले आपको वर्ड बैंक की भी है एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके लिख दिया है, जैसे कि आपके पास है एस रेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है जी. सो मेकिंग कार्बोनिक एसिड अदर गैसेस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री कॉजेज रेन इट विल बी मोर एसिडिक. हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एसिड रेन पढ़ा था और हमने उसके सारे फीचर्स इफेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस. ओके जी. नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, उसने आपसे इंडिकेटर्स के नाम पूछे गए हैं. सो ऑल आंसर्स आर हेयर, नो न्यू थिंग इज हेयर. उसके बाद जनाब आपका जो बी है जिसमें आपने लिखना है राइट दीज लेबल इन द बॉक्सेस यूज अंडर द, आपके पास एक स्केल बना हुआ है उसमें आपने लिखना है. सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कली आएंगे, फिर आपके पास वीक एसिड्स हैं, फिर आपके पास न्यूट्रल है, फिर आपके पास जो है वो वीक अल्कली और स्ट्रॉन्ग अल्कली है. देन कम ऑन टू पेज नंबर 61 में एक चार्ट सा बना हुआ है इस तरह का और आपके पास सिर्फ ये वैल्यूज गिवन है एंड दीज वैल्यूज एंड द नेम ऑफ थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ब्लू. एक जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें से ढूंढना है. तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कम्प्लीटली फिल कर दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं. फिर नंबर 7 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको रैंडमली था, आपने मैच करना था. मैंने आपको मैच करके दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड होते हैं, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड कंटेन फॉस्फेट, इथोनिक एसिड कंटेन इथोनेट या एसीटेट. फिर आ जाइए नंबर 8 क्वेश्चन पे, आपसे जो है वो बी स्टिंग के बारे में बात की हुई है, चीज़ें पूछी हुई है कि कौन सी काइंड की जो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा आप यूज़ करोगे, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे तमाम चीज़ें सॉल्व की हुई हैं. नो न्यू थिंग इज हेयर, वही बातें यूटिलाइजेशन की हो रही हैं, प्रोडक्ट्स की हो रही हैं. देन यू हैव द पेज नंबर 62 पे एक पूरा चार्ट आपको गिवन है और उसके अंदर आपको पूरी चीज़ें बताई हुई हैं. फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर हैव बीन गिवन हियर. उन प्रोडक्ट्स की जो वो डिटेल है पूरी यहाँ बता दी है, सॉल्व कर दिया है. जो आपका 6 क्वेश्चन था इसके अंदर 6 और 7 वो मैंने नहीं करवाया है पेज नंबर 63 का, वो चार्ट से रिलेटेड आपने सिर्फ यही 5 क्वेश्चन करने हैं. ओके जी. कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जैसे यहाँ पे भी मौजूद है, एक से ज़्यादा बार क्यों करते हैं हम एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, ये हम इससे पहले की एक्सरसाइजेज में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके बेटा, इट वॉज अबाउट टूडे. टेक केयर योर सेल्फ एंड कम्प्लीट योर वर्क एंड प्लीज डू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज़.